हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7B। 7B के क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 ऑनवर्ड्स, हम 13 टू 16 क्वेश्चंस हम लास्ट की वीडियो में कर चुके थे। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 एंड ऑनवर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। द प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन, क्या गिवन है? प्रेजेंट एज गिवन है। प्रेजेंट एज मतलब जो अब की एज है। ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की बात हो रही है। प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 2:3। किसमें गिवन है? रेशियो में गिवन है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? अब तक हमें एज किसमें गिवन होती थी कि ये इसका मल्टीपल है, ये इससे ज्यादा है, या 3 times है, 2x है। इक्वेशन दे दी जाती थी और हम उसको सॉल्व करते थे। अब गिवन है हमें 2:3 में। रेशियो का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है, दिस बाय दिस, यहाँ ऊपर कुछ और होता है, नीचे भी कुछ होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऑब्वियसली बात है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन। तो यहां हमारे पास मान लो एक्स है और नीचे वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेशो वाई। जो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है वो हमारा, इट मीन्स हम उसको रेशो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2:3 है, इसका मतलब है 2:3, ठीक है? 2:3। अब उसने हमें रेशो दी है, रेशो देना, और सिंपल अगर वो हमें बोलता कि दो बच्चों की एज 2 and k, यानी कि एक की एज 2 होती है, एक की एज 3 होती। अब रेशो में गिवन है कि अगर यहां कुछ भी हो, जैसे 4:6 होता तो भी इसका आंसर यही है। जैसे 2 2 4, 2 3 6, तब भी 2:3 आ रहा है। मतलब ये भी किसी ना किसी का मल्टीपल है, ये भी किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल है। तो रेशो वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? हमें उसे पर्टिकुलर एज नहीं गिवन कि कितनी एज है, उसने हमें रेशो गिवन है कि 2:3, ठीक है? तो रेशो वाले क्वेश्चन में हम क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे कि एक बच्चे की एज 2x है और दूसरे बच्चे की एज 3x है, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, एक्स लेट करके हमें पता लग गया कि एक बच्चे की एज 2x है एंड द एज ऑफ द अदर चाइल्ड इज 3x। 5 years ago, अगो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या? 5 साल पहले, 5 years ago द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:2। 5 साल पहले उनकी एज रेशो कितनी थी, एज की रेशो कितनी थी? 1:2। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, वर्तमान की एज फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन चाइल्ड, क्या लेट कर लिया कि एक बच्चे की प्रेजेंट की एज कितनी? 2x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द अदर चाइल्ड इज 3x। रेशो में गिवन था, x के साथ लिख लिया। अब 5 years ago उनकी एज कम होगी, 5 साल कम होने के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट एज ऑफ वन चाइल्ड। एक बच्चे की एज कितनी हो जाएगी? कितनी थी अब? प्रेजेंट एज इज 2x, तो 5 years ago कितनी हो जाएगी? 2x - 5। एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड इज, अब प्रेजेंट एज कितनी है उसकी? 3x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 3x - 5। लेकिन अब हमने क्या किया कि 5 साल पहले एक बच्चे की एज इतनी थी और दूसरे बच्चे की एज इतनी थी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी एज की रेशो 5 साल पहले, द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 1:2। 1:2, मैंने आपको बताया रेशो को, 1:2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो हम कह रहे हैं उनकी रेशो जो है 2x - 5 / 3x - 5 है, एज ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 है, यानी 1:2 है, दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। अब क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस 3x - 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। जब 2 इसके साथ मल्टीपल होगा तो 2 बाहर लिखेंगे क्योंकि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? 2 यहां जाएगा तो 2, फिर ये चीज ब्रैकेट में आ जाएगी 2x - 5। जब ये उस साइड जाएगा तो ये भी ब्रैकेट में आएगा, लेकिन 1 लिखो ना लिखो क्योंकि 1 के जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4x। 2 5 10, तो आंसर कितना आया? 4x - 10 इज इक्वल टू 3x - 5 एज इट इज। अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल, कि वेरिएबल्स वाले एक तरफ और कॉन्स्टेंट वाले एक तरफ।
4x प्लस का 3x लेफ्ट साइड पे होगा तो माइनस का 3x, माइनस 5 एज इट इज माइनस का 10 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 10। 4x माइनस 3x कितना हो गया 1x, माइनस 5 प्लस का 10 कितना हो गया एज यू नो प्लस माइनस, माइनस साइन ग्रेटर का, तो प्लस माइनस, माइनस का 5 है प्लस का 10 है तो प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर इज 10 एंड दिस साइन ऑफ 10 इज पॉजिटिव सो वी पुट हियर पॉजिटिव साइन। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, एक्स की वैल्यू 5 आई है, एक्स की वैल्यू, लेकिन निकालना क्या है एज ऑफ द टू चिल्ड्रन, प्रेजेंट एज ऑफ द टू चिल्ड्रन, तो यहां पुट कर लेंगे एक्स की वैल्यू, द प्रेजेंट एज ऑफ वन चाइल्ड इज 2x, 2x एक्स के प्लेस पे 5 पुट करेंगे कितना आएगा 10, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द अदर चाइल्ड इज 3x, एक्स के प्लेस पे 5 पुट किया कितना आया 50। क्लियर हो गया, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ध्यान से समझना, द प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट इज वाइड। वाइड क्या होता है चौड़ा, वाइड लिख लो ब्रेथ लिख लो एक ही बात है। क्या कह रहा है कि जो प्लेग्राउंड है वो 30 मीटर ज्यादा है, 30 मीटर और लंबा है किससे, देन किस लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए, देन इट इज वाइड, कि जितना भी वो प्लेग्राउंड है जितना चौड़ा है और उसका, अभी हमें पता है अगर हमारे पास कोई प्लेग्राउंड होता है रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में तो प्लेग्राउंड कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि जितना प्लेग्राउंड ये चौड़ा है ना और जो इसकी लेंथ है, ये जितना ये चौड़ा उतना तो है ही है, जितनी इसकी लेंथ है वो तो है ही है, जितनी इसकी विड्थ है या ब्रेड्थ है प्लस उसमें कितना ज्यादा है 30 और ज्यादा है, मतलब जितना चौड़ा है, चौड़ाई कुछ ना कुछ मान लो एक्स है हमें नहीं पता तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एक्स तो होगी होगी, इसमें 30 और ऐड कर देंगे, मींस लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इज 30 मोर देन इट्स विड्थ, इट्स विड्थ वी कैन से दैट लाइक दिस, जितना चौड़ा ये प्ले ग्राउंड है लेंथ इसकी उससे 30 ज्यादा है, 30 गुना नहीं फिर तो वो 30 का मल्टीपल हो जाता है। अब प्ले ग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट इज वाइड, क्लियर हो गया। इफ इट इज पेरीमीटर इज 300 मीटर, अगर उसका पेरीमीटर कितना है 300 मीटर है, वट इज इट्स एरिया, अब वो पेरीमीटर की बात भी कर रहे हैं और वो किसकी बात कर रहे हैं, वो एरिया की भी बात कर रहे हैं, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट मींस हमें लेंथ अगर पता है हमें ब्रेड्थ पता है तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्लेग्राउंड, ठीक है जी, लेकिन ना हमें लेंथ पता ना हमें ब्रेड्थ पता, अगर हमें इस एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ब्रेड्थ कितनी है, अगर x की वैल्यू मिल जाए तो इससे तो हमारी लेंथ भी आ जाएगी क्योंकि उसमें 30 ऐड कर देंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है। उसके लिए उसने हमें पहले तो लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ द विड्थ इज x एंड देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड इज x प्लस 30, तो पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है 300 मीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 300 मीटर गिवन है, ये देखो लिखा भी हुआ है इफ इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, नाउ टेल मी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × l + b, इट मींस 2 × length + breadth, पेरीमीटर हमें पता है तो पेरीमीटर के प्लेस पे 300 पुट कर सकते हैं, ट्वाइस एज इट इज लेंथ, लेंथ के प्लेस पे क्या लिखे x प्लस 30, लेंथ के प्लेस पे लिखा x प्लस 30 एंड वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ ब्रेथ इज x, अब 2 इज द मल्टीपल ऑफ दिस ब्रैकेट, 2 इज द मल्टीपल ऑफ दिस ब्रैकेट तो इज इक्वल टू कैसे ऐड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 30। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्या चल रहा होगा कि आपने कहा था और हमेशा कहते हो कि 2 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ तो ये ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे भी कर सकते हैं आंसर सेम आएगा, जैसे मर्जी कर लो आंसर सेम आएगा, यहाँ कट के आए 150 इज इक्वल टू 2x + 30, प्लस का 30 जब लेफ्ट साइड पर जाएगा माइनस का 30 हो गया इज इक्वल टू 2x, कितना आ गया 150 माइनस 30 इज 120, हेयर इज 2x, 2 इज द मल्टीपल ऑफ x, डिवाइड में आएगा कितना आ गया x इज इक्वल टू
60। अरे भाई 2 1 2, 2 6 12, 0 की 0, x की वैल्यू कितनी आई 60। x की वैल्यू 60 आ गई, इट मींस ये तो ब्रेड्थ आ गया, और लेंथ कितना आ जाएगा 90, बिकॉज 60 प्लस 30 इज 90। अब लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी आ गया, इस फॉर्मूले में पुट कर लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कितना इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर किसी बच्चे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता ही नहीं है तो कैसे वो फाइंड आउट करेगा? तो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द विड्थ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज एक्स मीटर, लेट द विड्थ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज एक्स मीटर, एंड देयर फॉर द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज एक्स प्लस 30 मीटर। समझ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या गिवन था कि जितनी उसकी विड्थ है लेंथ उससे 30 मीटर ज्यादा है। पेरीमीटर कितना 300। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर के प्लेस पे 300 पुट किया इज इक्वल टू 2, लेंथ के प्लेस पे एक्स प्लस 30। देखो क्या किया, 30 बाद में प्लस कर दिया, एक्स पहले प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स प्लस एक्स, एक्स एक एक्स कहाँ से आया, ब्रेथ का एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस 30, 2 डिवाइड में आ गया, 300 बाई 2, 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, 3 तक जाने के लिए 1 रह गया, 2 5 जो 10, 0 की 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 30। ये 2 नीचे आ गया, ये 2 इसका मल्टीपल नहीं हुआ, ये तो एक्स प्लस एक्स 2x हुआ है। तो 150 इज इक्वल टू 2x प्लस 30, 30 लेफ्ट साइड पर गया, 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 2x, 150 माइनस 30 कितना आ गया 120, 120 इज इक्वल टू 2x, 2 इज द मल्टीपल ऑफ x, डिवाइड में आएगा कितना आया x इज इक्वल टू 60। अब x की वैल्यू 60 आई है, इट मींस द विड्थ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 60 प्लस 30 90 मीटर, 90 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड कितना आएगा, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी 90 एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ थी 60, 9 6 54, 2 0। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, जब भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में यूनिट के ऊपर क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, तो आपको भी स्क्वायर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें हमें फिगर गिवन है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19, इन द फिगर, द फिगर इज गिवन हेयर, ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल्ड, सारे के सारे कॉर्नर्स कैसे हैं राइट एंगल के, एंड द डायमेंशन आर गिवन इन द सेंटीमीटर। जो ये डायमेंशन गिवन है ये किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, जैसे 3 है 3 सेंटीमीटर, 2 a सेंटीमीटर। फाइंड ए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया इज 1 मीटर। जो ये शेडेड एरिया है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया इज 1 मीटर, 1 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी डायमेंशन है, दे आर इन सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन इसने हमें शेडेड एरिया दिया मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, यस 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर। देखो अब ध्यान से क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ये दिस पोर्शन इज शेडेड, क्लियर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 1 मीटर गिवन है, 1 मीटर इज इक्वल टू किस, कितने सेंटीमीटर के होता है 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड वी कैन राइट 1 मीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कोई भी फिगर का अगर आपको ये बोला जाए फाइंड दिस पेरीमीटर ऑफ दिस पोर्शन और दिस फिगर, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम कर दो, वो क्या हो जाता है पेरीमीटर। ये हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं कि जैसे स्क्वायर का हो गया 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का हो गया ये, ट्रायंगल का हो गया ये, मतलब ये कुछ फिगर्स के, कुछ फिक्स फिगर्स के हमारे पास पेरीमीटर के फॉर्मूलेज हैं। बट कोई भी हमें तोड़ मरोड़ के चीज दे दी जाए, कोई भी फिगर दे दी जाए, वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। तो इसने कहा कि इसका पेरीमीटर जो है वो 100 मीटर है, हम निकाल के देखते हैं इसका पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया, जो ये शेडेड एरिया है इसका पेरीमीटर कैसे होगा, कैसे होगा, देखो 3a प्लस 2a, दिस दिस प्लस 2 ये वाला, प्लस 2a ये वाला, ये वाली साइड और ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, प्लस 3 प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड,
टू प्लस थ्री ए दिस साइड एंड प्लस थ्री। देखो अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक मिनट, डॉटेड लाइन, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये 3a है, तो ये यहां से यहां तक साइड कितनी होगी? 3a। यहां से यहां 3a की इक्वल है, तो यहां से यहां भी क्या होगी? 3a। इसलिए ये भी 3a और ये भी 3a, दो बार आ गया। ये 2, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा? 2, या कह सकते हैं ये वाला 2, दो बार क्या लिखा हुआ है? 2। ये 2a, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? 2a, 2a, 2a। दिस इज 3, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। ऐसे ही ये 2 है तो ये 2, ये 3 है तो ये भी 3, इसके सामने वाला 3, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है। तो इनको अगर हम प्लस करें, कितना आएगा? ए वाले अलग ही प्लस होंगे क्योंकि ये ए वेरिएबल है। 3a प्लस 2a 5a प्लस 2a, 3a प्लस 2a 5a प्लस 2a 7a प्लस 2 3a 10a, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10। इट मींस पेरीमीटर कितना आ गया? 10a प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमेंशन हमें किसमें गिवन थी? सेंटीमीटर में। हम कह रहे हैं 10a प्लस 10 सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पता है 100 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इट मींस दोनों इक्वल होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया क्या होगा? पेरीमीटर कितना होगा? 10a प्लस 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 10a प्लस 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 उस साइड जाएगा, किसका हो गया? माइनस का। 10a इज इक्वल टू 90, 10 की वैल्यू डिवाइड में जाएगी तो कितना आ गया? a की वैल्यू 9। a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ दिक्कत कहाँ आएगी? ये पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया में। बस ये याद रखना है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहां से शेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? दिस दिस जितना ये होगा उतना ही ये होगा। देखो ये गिवन है, ये गिवन है, तो इट मीन्स ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। तो ये वाली चीज लेंगे, जितना ये है उतना ये, उतना ये, तो जितना ये उतना ये, उतना ये, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? शेडेड एरिया का पेरीमीटर। और वैसे भी पेरीमीटर किसी भी फिगर का पूछा जाए आपसे कि पेरीमीटर बताओ, दिस फिगर का सम ऑफ ऑल साइड्स, उसकी जितनी साइड्स हैं उन सबको प्लस कर दो, दैट इज द पेरीमीटर। अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही है, पेरीमीटर पर बेस्ड है। द फिगर शोज, इसकी भी फिगर हमें गिवन है। द फिगर शोज द लेंथ इन सेंटीमीटर, किसमें गिवन है लेंथ? सेंटीमीटर में, ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमें साइड्स गिवन है। दिस साइड इज गिवन 5x+3, दिस साइड इज 3x+7, एंड दिस साइड इज 1+1/3 × y। दी ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन इन सेंटीमीटर। इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दोस ट्रायंगल्स हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं भाई? जिसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। इसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, दो वैल्यूज यूज हो रही है, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं, ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, यस सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी का भी आपसे पूछा जाए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है पर्टिकुलरली, कि आपको माइंड में नहीं फॉर्मूला याद हो रहा, आप क्या करो? सम ऑफ ऑल साइड्स, उसकी जितनी साइड्स है सबको प्लस कर दो, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। सारे साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अगर सारे साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल होती हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तीनों साइड इक्वल होंगी। पहले हम दो साइड लेके चलते हैं, 5x+3 इज इक्वल टू 3x+7, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 5x+3 इज इक्वल टू 3x+7, 3x लेफ्ट साइड पर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3
राइट साइड पर जाएगा, माइनस का हो गया 5x माइनस 3x इज 2x, 7 माइनस 3 इज 4, 2 इज द मल्टीपल ऑफ x, ऑन राइट साइड इट इज डिविजिबल बाय 4, x इज इक्वल टू फोर बाय टू, फोर इज डिविजिबल बाय टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई टू, बाकी एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू ये दोनों इक्वल होंगी, दिस एंड दिस ये भी इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे तो इनको इक्वल पुट कर दो, 5x plus 3 is equal to 1 plus 1 by 3 into y, 5x, अब क्या करेंगे अलग रख लेंगे, देखो 5x plus, plus का 1 जब लेफ्ट साइड पर आया माइनस का 1 हो गया इज इक्वल टू 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2, तो x के प्लेस पे वी कैन राइट 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू वाई, इस 5x को हम राइट साइड पर इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 2 12, अब ये 3 जो है y बाय 3 है, जब ये 3 लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ क्या है राइट साइड में, ये डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या मल्टीप्लाई हो गया 12 इंटू 3 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या आ गई 12 3 से 36, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, क्वेश्चन ने एक और बात कही थी क्या कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये छोटा सा ट्राइंगल बना रखा मैंने, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी जितनी साइड्स है सबका सम कर दो, एक साइड तो इसकी 5x plus 3, देखो एक साइड इसकी 5x plus 3, दूसरी साइड 3x plus 7 और तीसरी साइड 1 plus 1 by 3 into y, सारी साइड्स को क्या कर दो प्लस कर दो, x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, y के प्लेस पे 36 पुट कर दो, ठीक है, 5 into 2 plus 3 plus 3 into x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया plus 7 plus 1 plus 1 by 3 y के प्लेस पे 36, 1 by 3 is the multiple of y, so it is 36 is divisible by 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सबको प्लस कर दिया क्योंकि 5 2 जा 10 plus 3 plus 3 2 जा 6, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6 plus 7 plus 1 ये कितना आ गया 12, सबको प्लस किया 39 सेंटीमीटर, कहां से पता लगा, क्वेश्चन ने बोल रखा था जितने भी डायमेंशन है सारे के सारे इसमें किसमें है सेंटीमीटर में, यस लेंथ इन सेंटीमीटर, तो हर वर्ड को बहुत ध्यान से समझा करो, अच्छे से पढ़ा करो, क्लियर, यहां तक क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स करेंगे, दो तीन वीडियो और बनेंगी, तो आप बिल्कुल देखते रहिए इनको, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछना, कोई भी डाउट माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्लियर, थैंक यू।